तो आज मैं आपको चार टिप्स ऐसे बताने वाला हूँ जो कि अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपकी बैटरी कभी भी नहीं फटेगी। और आपकी बैटरी क्यों फटती है, उसका क्या कारण है, तो इसी वीडियो में सारी बातें करेंगे हम। और चार टिप्स जो बताऊँगा अगर उनको फॉलो करोगे तो आपकी बैटरी कभी भी नहीं फटेगी। और मैं हूँ मंजीत और आप देख रहे हैं टेक्निकल बावला। टाइम ना गवाते हुए चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले टिप्स की। जो सूखी बैटरी चलाओगे आप, उसमें पानी नहीं डालोगे, तो वो सूखी चलने के बाद उसके अंदर गैस बन जाती है, जिसकी वजह से बैटरी आपकी फट जाती है और फिर कहते हो कि हमारी बैटरी फट गई। तो कभी भी बैटरी का पूरा ध्यान रखें, पानी कम ना होने दें, और पानी अगर जिस टाइम भी कम होगा तो आपकी बैटरी फट जाएगी। अब करते हैं दूसरे टिप्स की बात। इन्वर्टर, कई बार क्या होता है कि इन्वर्टर ख़राब हो जाता है, और जिस टाइम इन्वर्टर ख़राब हो जाता है ना, उस टाइम वो ओवर चार्जिंग करने लग जाता है, ज़्यादा चार्जिंग, जिसको बोलते हैं हम ओवर चार्जिंग। अगर वो ज़्यादा चार्जिंग करेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर वो बैटरी का हर हफ्ते पानी सुखाएगा, और हर हफ्ते जिस टाइम वो पानी सुखाएगा तो बैटरी का क्या होगा, उसके अंदर है ना, अगर ढक्कन उसके टाइट होंगे तो उसके अंदर गैस बनेगी, और गैस बनने के कारण भी बैटरी के फटने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब करते हैं तीसरे टिप्स की बात। अगर आप पानी डालते हैं बैटरी के अंदर और उसके आप ढक्कन जो है वो टाइट रख देते हैं, तो उससे क्या होगा, जिस टाइम बैटरी चार्जिंग होती है, जैसे हमारा पानी उबलता है पतीली के अंदर, तो ऐसे ही हमारा बैटरी के अंदर भी जो एसिड होता है वो उबलता है, तेजाब जिसको हम बोलते हैं। तो जिस टाइम वो उबलेगा उसके अंदर क्या होगा, गैस बनेगी, और गैस बनेगी उसके अंदर है ना, जो ढक्कन होते हैं हल्के हल्के से छेद होते हैं, वो छेद है ना जो रुक जाते हैं, रुकने के बाद क्या होगा, जैसे वो रुक गए, रुकने के बाद उसके अंदर गैस बनेगी, गैस बनने के बाद ढक्कन टाइट होंगे तो गैस निकलने की जगह नहीं रहेगी, और बैटरी फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और काफ़ी सारी बैटरी भी फट भी जाती हैं। तो सब ये हो गए तीन टिप्स। अब लास्ट टिप्स की बात करेंगे जो कि हमारा चौथा टिप्स है। जो बैटरी हमारी होती है आप खोल लेते हो उसको, अगर खोल लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप उसको करते हो जैसे कि शॉर्ट करने की कोशिश कर, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कभी भी उस बैटरी को शॉर्ट करोगे तो आपकी बैटरी का क्या होगा, वो फट जाएगी, और उससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। जैसे वो बैटरी ब्लास्ट होगी तो उसका एसिड भी आपके चेहरे पर पड़ेगा और शरीर पर भी पड़ेगा, और उससे क्या होगा कि जो उसके कतरे हैं प्लास्टिक के, वो आपके चेहरे पे, मुंह पे, छाती पे, कहीं पे भी जहाँ जहाँ भी लगेंगे वो ज़ोरदार लगेंगे, और उससे आपकी जान भी जा सकती है। तो आपको कैसी लगी है चार टिप्स? अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिए प्यारा सा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।